और मैं हूँ आपके साथ उनजिला फातिमा। आए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। चेती मेला परिसर में की गई दुकानों को हटवाने व कूड़ा गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई। जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त काशीपुर द्वारा चेती मेले के समापन उपरांत द्वितीय व निरीक्षण करते हुए मेले के मैदान में लगी दुकानों को हटवाने के साथ साथ दुकानदारों द्वारा कूड़ा गंदगी किए जाने पर चालानी कार्रवाई किए जाने हेतु दिए गए आदेश के अनुपालन में डॉक्टर अमरजीत सिंह सानी नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नगर निगम कर्मियों के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए चेती मेले में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मौके पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 9,500 रुपए के 4 चालान किए गए। छापामारी दल में स्वास्थ्य लिपिक अब्दुल सलीम, विक्रांत यादव, धनवीर सिंह रावत मौजूद रहे। अब वक्त हो चला है काशीपुर की अन्य खबरों का। काशीपुर नगर निगम द्वारा कराई गई वार्ड 2 में फॉगिंग, अलविदा तनाव और मेडिटेशन शिविर का चौथे दिन भी हुआ आयोजन। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन शाखा काशीपुर ने की लंबित भुगतान अदा करने की मांग। स्कूल गई छात्रा रहस्यमय ढंग से हुई लापता, पुलिस ने किया रंगदारी के आरोप में मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर नगर निगम द्वारा आगामी मॉनसून सीजन के दृष्टिगत नालों की तलीझाड़ सफाई व फॉगिंग कराई जा रही है, ताकि मॉनसून में होने वाली जलभराव की समस्या और मच्छरों की वजह से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया आदि को रोका जा सके, जिसके अंतर्गत नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 2 में फॉगिंग कराई गई। काशीपुर के रामलीला मैदान में ब्रह्म कुमारी के द्वारा अलविदा तनाव और मेडिटेशन शिविर का चौथे दिन भी आयोजन किया गया, जहां मन को कैसे एकाग्र किया जाए और गृहस्थ जीवन को किस प्रकार सफल बनाया जाए, इस पर प्रवचन दिया गया। इस दौरान इंदौर से आई ब्रह्म कुमारी पूनम दीदी द्वारा प्रवचन दिया गया। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन शाखा काशीपुर ने एक ज्ञापन विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के कार्यालय में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा को सौंप कर कोरोना काल के दौरान राशन वितरण के 7 माह के लंबित भुगतान करने की मांग की है। ज्ञापन में जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कोरोना काल के दौरान 113 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा जो राशन वितरण किया गया, उसके वर्ष 2020-21 के 7 माह के लंबित भुगतान के संबंध में सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनका भुगतान शीघ्र किया जाएगा, जो आज तक नहीं हो पाया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। स्कूल गई छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। दादा की तहरीर पर पुलिस ने छात्रा की गुमशुदगी दर्ज की है। ग्राम फसियापुरा दड़ियाल रोड निवासी हरगुलाल गौतम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी पौत्री कुमकुम बीते दिवस रोज की भांति अलीगंज रोड स्थित एक स्कूल में पढ़ने गई थी, जो वापस नहीं लौटी। कहा कि स्कूल में जानकारी लेने पर पता चला कि सभी बच्चों की छुट्टी 12:30 बजे हो चुकी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर छात्रा की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में एक अधिवक्ता ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।